हमने पढ़ना है और दासिता के अंदर हम लोग दो चीजें स्टडी करना है, एक इसके इंटीग्रल फॉर्म में और उसका डिफरेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि दासिता को साधन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी दो सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर हमारे पास एनक्लोज्ड सरफेस और उस दो सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यों पड़ा हुआ है तो इसके वजह इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, phi is equal to 1 upon epsilon naught multiplied by charge q। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस इक्वल आना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा ये कि हम इसको साबित करेंगे, फिर इसका इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग देखते हैं। यस सही। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी कंसीडर द स्मॉल एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड पार्ट, एक क्लोज पार्ट है, पार्ट है उसका जो स्मॉल एरिया उसको हम कंसीडर करते हैं। Let's suppose its direction is this. और इस direction को हम किसी signal करते हैं, DA signal करते हैं। सही? क्योंकि positive charge पड़ा हुआ है, तो electric field lies outward होगा, सही? तो electric field lies outward होगा, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको भी outward ले रहा हूँ। इस दौरान जो हमें electric field मिलेगी, वो electric field due to this charge at point at any point P, मतलब मैं इधर कोई point P consider करता हूँ। तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी के टी की इज इक्वल टू के इनटू क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कर दिया है, डी की इज इक्वल टू के इनटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, ये भी सब में हमने निकल दिया है पी। अब जरा इसको नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। यस डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इनटू डी ई डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इनटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्यू और क्यू बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट है। और डायरेक्ट में इसको भी इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डायरेक्ट चार्ज मिलेगा
ये जो टोटल के इंप्रेशन है जिसे क्या कहते हैं टोटल सॉलिड एरिया कहते हैं, उसकी वैल्यू जो हमारे पास है 4 पाई। आपने इसके बाद 4 पाई लगाया और भी लगा के एक वैल्यू लगाया तो इस तरह 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपको k / x नॉट मिल जाएगा। से ये कह सकता है कि इंप्रूव था। अब हम हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो क्या चीज है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ विभाजकता। ये अभी देखिए इसके बाद हमने विभाजकता पढ़ा तो उसके इंटीग्रल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म का हमने इससे या फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी सकते हैं। समझ आ गया? यस।